तमाम अमला ज़ेर निगरानी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर के ही है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ या स्टेक होल्डर्स जो है जहाँ जहाँ पर भी जो है विज़िट कर रहे होते हैं वहाँ पर लाजमी तौर पर अमला भी जाता है और उनको ब्रीफ भी किया जाता है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब वैसे भी उनका एक बड़ा स्टेटस है, वो एडवाइज़र हैं लॉ के भी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी उनके अंडर में काम कर रहा है, वो इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो हमें ब्रीफ़ करना है उन्हें, केएमसी का अमला इस हवाले से जो है उनको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ भी कर रहा है। सुबह से जो बारिश का स्पेल शुरू हुआ है ये थोड़ा सा अर्ली शुरू हुआ है क्योंकि जो फोरकास्ट आ रही थी वो जुमेरात से ऑनवर्ड थी, लेकिन चूँकि रेन एमरजेंसी के हवाले से खासी अच्छी प्रिपरेशन हमारी काफ़ी दिनों से चल रही थी, उस हवाले से इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए आज शहर का दौरा भी किया है। जो हमारी डिप्लॉयमेंट है डी वाटरिंग पम्प से लेकर और दीगर नालों के ऊपर जो पानी खड़ा हो जाता है उसके हवाले से वो चेकिंग चल रही है। ये अच्छा एक मॉडरेट स्पेल था, बहुत हल्का फुल्का, लेकिन इससे हुआ ये कि हमारी तमाम मशीनरी मोबिलाइज भी हो गई और हमें चेक करने का मौका भी मिला कि कहाँ कहाँ पर हमारी वीकनेसेज हैं और कहाँ पर हमने सही काम किए हुए हैं। इस मरतबा केएमसी ने अपने रिसोर्सेज से तकरीबन 25 डी वाटरिंग पम्प्स का इजाफा किया है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है और मोबिलिटी भी उनकी आसान है, जो मुख्तलिफ अंडर पासिस के ऊपर और ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पर डी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ रख दिए गए हैं। अभी तक जो मैंने शहर का दौरा किया है अभी नामुकम्मल है, मज़ीद भी हम इसको जारी रखेंगे, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जहाँ पर पानी प्रॉब्लम कर रहा हो ट्रैफिक के लिए। शाहराएँ तमाम खुली भी हैं, जहाँ जहाँ चौकिंग पॉइंट नज़र आ रहे हैं जहाँ पर हमें नालों को सफाई की ज़रूरत है, छोटी नालियाँ हमें बनानी है जहाँ से पानी ड्रेन हो सके, उसके ऊपर काम चल रहा है। इस हवाले से आप लोगों से अपील होगी कि जहाँ जहाँ इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं ज़रूर हमें इंटीमेट करें। एमरजेंसी सेल भी केएमसी के अंदर कायम कर दिया गया है और पूरी तरह से गवर्नमेंट भी विजिलेंट है कि ऐसी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर टैकल कर सके। जो लास्ट ईयर हुआ था इस मरतबा वैसे उस तरह की सूरत हाल नहीं है, जो कि दहाइयों के अंदर इस तरह की सूरत हाल बनती है कि बिल्कुल ही शहर डूबने वाली पोजीशन में आ जाए। जो फोरकास्ट है नॉर्मल से, जो नॉर्मल रेनफॉल होता है कराची में, उससे कोई 50% ज़्यादा की फोरकास्ट हुई हुई है महकमा मौसमियात की तरफ से। उसी लिहाज से हमारी अपनी प्रिपेडनेस है, ना सिर्फ KMC बल्कि दीगर इदारे भी, DMC, कैंटोनमेंट और दीगर इदारे जो है पूरी तरह अलर्ट पोजिशन में है और इंशाल्लाह इस मरतबा सूरत हाल बहुत अच्छे तरीके से टैकल करने की पोजीशन में होंगे हम। जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नेवी की डीवाटरिंग मशीनरी चाहिए, PDMA की चाहिए, वहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो कोई ऐसा मसला नहीं है जहाँ पर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद हो कि शारा फैसल मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है। तमाम इदारे इसके ऊपर काम करने के लिए बिल्कुल हमतन कोश हैं। डी सिल्टिंग ऑपरेशन चल रहा है नालों के हवाले से, टोटल 514 नालाज जो है वो DMCs की ज्यूरिसडिक्शन के छोटे नाले और 38 नालाज जो बड़े नाले कहलाते हैं KMC की ज्यूरिसडिक्शन के हैं। इसके मुतालिक जो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसके अंदर KMC के और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं और उनको एग्जीक्यूशन का काम दिया गया है। तो वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली जो है वो कमेटी काम कर रही है और इनके हवाले से जो है काम गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था उसका 50% रिलीज़ किया जा चुका है। 25 करोड़ रुपीज़ जो है रिलीज़ हुई। ये शहर जो है इस कदर ज़्यादा इंक्रोचमेंट है कि उसके ऊपर साल हर साल तक भी मेहनत करते रहें तो वो ख़त्म होने वाला काम नहीं है। इस वक्त सारे का सारा फोकस हमारी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का वो नालों के ऊपर है। ये बड़े नाले, गुजर नाला, औरंगी नाला है, तमाम अमला और रिसोर्सेज उस तरफ मुंतकिल हुए हैं। इसके अलावा जो रोड क्लियर करने के लिए जहाँ जहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना होता है वो भी चल रहा है। एक कैपेसिटी होती है कि इतने बड़े शहर के हवाले से देखा जाए और इतना ज़्यादा काम है एंटी इंक्रोचमेंट का कि दिन रात अमला इस वक्त काम कर रहा है, लेकिन ये काम ओवर द ईयर्स चलने वाला है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। बहुत ये असल में एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। KMC की तरफ से जो है कोई मंडी नहीं लगाई गई है। जहाँ जहाँ पर गलत तरीके से मंडियाँ लगी हैं एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है कि वो उनको ख़त्म करवाएं, यकीनन होगी, लेकिन उन मंडियों के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एम्पावर्ड है कि वो उनको रिमूव करवाएँ।